हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक होंगे। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आज का इवनिंग थॉट लेके। आज का इवनिंग थॉट यही है कि हमारे पास लाइफ में हमेशा हर चीज़ के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है फेथ और दूसरा होता है फियर। तो हम फेथ अगर किसी भी अपनी प्रॉब्लम के सॉल्व होने का फेथ रखते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर उस प्रॉब्लम से डरते जाएंगे और उससे फियर का जो हमारे अंदर इमोशन है वो ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। वो कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या आप स्टूडेंट हैं, आपके स्टूडेंट लाइफ का कोई टारगेट हो, या फिर आप कोई काम करते हो, आपके वर्क का कोई टारगेट हो, या कुछ भी हो, मतलब कोई पर्सनल चीज़ के होने का टारगेट हो कि हम आपके मन में डर हो या पता नहीं वो होगी या नहीं होगी, तो फेथ हमेशा फेथ रखिए। क्योंकि फेथ क्या होता है कि ऐसे इमोशंस आपके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करता है जिससे आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, और वो एनर्जी हाई होने से क्या होता है कि आप अपने टारगेट की दिशा में और 4 गुना 10 गुना एनर्जी से काम करते हो, और आपकी सराउंडिंग्स में भी लोग आपकी वाइब्रेशन से, उनकी भी वाइब्रेशन हाई हो जाती हैं। सपोज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसे खुद प्रॉब्लम समझोगे, उसके बोझ से दब जाओगे, तो आप दूसरे को वो प्रॉब्लम कैसे कन्विंस करोगे दूसरों को अपनी हेल्प करने के लिए? उसमें आप अपनी वाइब्रेशन हाई रखें, आप अपने इमोशंस हमेशा हाई रखें, अपनी इंटेंशन सही रखें, और बहुत फेथ के साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ें। और डेफिनेटली आपके आसपास के लोग, आपकी सराउंडिंग्स, सब कुछ, और क्या कहते हैं ना, वो सारी कायनात लग जाएगी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में। तो आज का यही मैसेज था कि अगर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जब आपको डर लग रहा हो तो आप डर का इमोशन ख़त्म करके फेथ का इमोशन लाइए, क्योंकि फेथ हर एस्पेक्ट में फियर से बेटर है। और दूसरी बात यह है कि जो हो रहा है वो तो होगा ही, तो क्यों डरना, डर के उसे और इन्हांस करना? हो सकता है कि हमारी हिम्मत करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये था आज का इवनिंग थॉट। कल फिर मिलती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।